C++ में Exception Handling के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम Exception Handling सीखेंगे। हम यह एक उदाहरण की मदद से करेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu OS वर्जन 11.10, G++ कंपाइलर वर्जन 4.6.1। अब एक्सेप्शन के परिचय के साथ शुरू करते हैं। एक्सेप्शन एक समस्या है जो प्रोग्राम के निष्पादन के समय उत्पन्न होती है। यह रन टाइम एरर है जिसका पता प्रोग्राम लगा सकता है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग पर जाते हैं। प्रोग्राम के निष्पादन के समय समस्याओं को दी गई अनुक्रिया को एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग निष्पादन को जारी रखने की अनुमति देता है। यह समस्या का पता लगाने में मदद करता है और नियंत्रित तरीके से प्रोग्राम को खत्म करता है। अब एक्सेप्शन के प्रकार देखते हैं। ट्राई, कैच और थ्रो। हम एरर प्रोन कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं, फिर इसे थ्रो उपयोग करके संचित किया जाता है। इसके बाद कैच स्टेटमेंट उपयोग करके इस एक्सेप्शन को पकड़ा जाता है और फिर यह संसाधित होता है। ट्राई, कैच और थ्रो के लिए रचनाक्रम है थ्रो, ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक। यहाँ हम आर्गुमेंट पास करते हैं। थ्रो स्टेटमेंट ट्राई ब्लॉक के अंदर भी लिखा जा सकता है। हमारे पास एक से अधिक ट्राई कैच ब्लॉक्स हैं। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग पर एक उदाहरण देखते हैं। मेरे पास कोड है, मैं इसे खोलूंगी। ध्यान दें, हमारा फाइल नेम exception.cpp है। इस प्रोग्राम में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रयोग करके डिवाइड बाय जीरो एरर हल करेंगे। अब पूरे कोड को देखते हैं। यह आईओस्ट्रीम हमारी हेडर फाइल है। यहाँ हम एसटीडी नेमस्पेस उपयोग कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास आर्गुमेंट इंट ए और इंट बी के साथ फंक्शन डिवीजन है। फिर हम जांचते हैं कि बी इज इक्वल टू जीरो है या नहीं। यदि ट्रू है तो हम डिवीजन बाय जीरो कंडीशन एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। फंक्शन ए और बी का डिवीजन रिटर्न करता है। यह हमारा मेन फंक्शन है। इसमें हमने इंटीजर वेरिएबल एक्स, वाई और एक डबल वेरिएबल जेड घोषित किए हैं। यहाँ हम एक्स और वाई की वैल्यू स्वीकार करते हैं। यह हमारा ट्राई ब्लॉक है। यहाँ हमने फंक्शन डिवीजन कॉल किया है और परिणाम को z में संचित किया है। फिर हम z की वैल्यू प्रिंट करते हैं। यह हमारा कैच ब्लॉक है। इसमें हम एक आर्गुमेंट मैसेज कैरेक्टर कांस्टेंट की तरह पास करते हैं। फिर हम मैसेज प्रिंट करते हैं और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब प्रोग्राम निष्पादित करते हैं। अपने कीबोर्ड पर एक साथ कंट्रोल, ऑल्ट और टी कीज दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें g++ स्पेस exception.cpp स्पेस -o स्पेस ex। एंटर दबाएं। टाइप करें ./ex। एंटर दबाएं। x और y की वैल्यू एंटर करें। मैं 3 और 0 दूंगी। आउटपुट प्रदर्शित होता है डिवीजन बाय जीरो कंडीशन। दोबारा कंपाइल करते हैं। अप एरो की दो बार दबाएं। एंटर दबाएं। दोबारा अप एरो की दो बार दबाएं। एक्स और वाई की वैल्यू एंटर करें। मैं 8 और 2 दूंगी। आउटपुट 4 है। इस प्रकार ट्राई, कैच और थ्रो ब्लॉक कार्य करते हैं। यह हमें इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। अब अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं। इसको सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने देखा एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई, कैच और थ्रो ब्लॉक्स। एक नियत कार्य में कर्मचारियों की एज प्रदर्शित करें। एक एक्सेप्शन थ्रो करें यह जांचने के लिए कि एज 15 से कम नहीं है। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org को लिखें।
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।